हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। जैसे कि आप सबको पता ही है, शिवरात्रि आने वाली है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की खीर। जी हाँ, आपने गाजर का हलवा खाया होगा, गाजर की बर्फी खाई होगी। एक बार इस खीर को जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत इजी है बनाने में कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर फुल फैट क्रीम दूध और साथ ही लिया है 3 गाजर, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और 1 कटोरी चीनी। तो सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए, दूध में हमारे बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर अपनी ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे और गाजर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने देंगे इसमें। ये जो खीर है बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको फास्ट में या फिर कोई भी ओकेशन हो उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। तो अच्छे से देखिए, मिक्स कर लिया है और इसका फ्लेम हम मीडियम करके इसको ढक के 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखिए, फ्लेम मैंने कर दी है इसकी मीडियम और इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के कुक कर लेंगे ताकि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, बॉयल इसमें आ गया है, बहुत ही अच्छा सा एक पिंकिश कलर इसके अंदर आ गया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो मैंने 4 से 5 इलायची को कोट कर इसके अंदर डाला है छिलके के साथ ही। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट इस तरीके से डालने से बहुत ही इसका टेस्ट जो है अच्छा लगता है। तो इस तरीके से डाल के देखिएगा और इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि दूध जो है हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। जो साइड में दूध लग रहा है इसको भी अच्छे से हम इस तरीके से मिला लेंगे इसी में और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो सिंघाड़े का आटा होता है वो भी डाल सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाल दीजिए, या नॉर्मली किसी ओकेशन के लिए बना रहे हैं तो फिर चावल का आटा जो होता है वो डाल सकते हैं। बट मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपली मैं 2-3 इन्ग्रीडियंट से इनको बना रही हूँ, चीनी और दूध और गाजर से। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी चीनी, या जितना भी आपको मीठा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने तभी डालनी है जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अगर आप बिल्कुल गाढ़ा होने के बाद डालेंगे तो फिर चीनी अपना पानी छोड़ देगी और आपको दोबारा से कुक करना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए, बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे, और इसे कुक कर लेंगे। देखिए, स्पैचुला पे हमारा जो दूध है अच्छे से दिखने लगा है अब। और यहाँ पे अब हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट के भी बनाएंगे तो भी उतनी ही अच्छी लगेगी ये खीर। तो इस खीर को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और साथ ही मैंने इसमें नारियल को कद्दूकस करके डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारी खीर है गाढ़ी हो चुकी है, पहले से काफ़ी अच्छा इसका थिकनेस हो गई है, और कलर भी देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, विदाउट एनी फूड कलर। और ये देखिए, स्पैचुला पे भी अच्छे से इसका दूध नज़र आ रहा है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अब इसको हम कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद देखिए, खीर हमारी बनके तैयार है। अब इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो गरम गरम या फिर ठंडा करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी खीर रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया ये खीर लग रही है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से और गार्निश कर देंगे हम। तो ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, कितनी बढ़िया ये लग रही है।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।